गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एग्जाम सिटी 92 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एग्ज़ाम लगभग आज पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। आज 19 फरवरी है, पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। और जो हमारा ग्रुप डी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसपे चार जोन थे, NR, NER, NWR, NCR। उसमें जो पूरी पोस्टें थी उस वो 1046 तो पुरुषों की थी और 1006 महिलाओं की थी। पुरुषों की जो पोस्टें थी उनमें जनरल की 761, SC की 152, ST की 68 और OBC की 65 थी। और जो फीमेल है उसकी 1006 पोस्ट हैं, उसमें 646 जनरल की, 141 SC की, 75 ST की और 144 OBC की थी। तो हम इसकी इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि कितने नंबर वाला सेफ जोन में है और फिजिकल की तैयारी कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल की। तो जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 75 रहेगी, यानी जिसके भाई की 75 प्लस हैं वो उसका सिलेक्शन जनरल में पक्का है। उसके बाद जो ओबीसी हैं, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 70 रहेगी, यानी 70 प्लस जिन जिसके भी है वो मेडिकल फिजिकल की तैयारी कर सकता है। उसके बाद एससी है, एससी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 65 रहेगी। और जो एससी है, एसटी है, उसकी 63 से प्लस रहेगी। तो अगर ये नंबर आपके बन रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन पक्का, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।